आरजेसी न्यूज, हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। ईद की नमाज अदा करने पहुंचे मुरादाबाद पूर्व कांग्रेस सांसद मोहम्मद अजहरुद्दीन आजीदगा पहुंचे। ईदगाह में नमाज अदा करने के बाद अजहरुद्दीन वहां मौजूद समर्थकों से गले मिले और उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। इस दौरान स्थानीय कांग्रेस नेता भी अजहरुद्दीन के साथ मौजूद रहे। कल देर रात हैदराबाद से मुरादाबाद पहुंचे पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन की सक्रियता से विपक्षी राजनीतिक दलों के होश उड़े हैं। देर रात मुरादाबाद पहुंचे अजहर ने समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं से मुलाकात की और ईद की बधाई दी। आज सुबह ईदगाह मैदान पहुंचकर अजहर ने ईद की नमाज अदा की और उसके बाद मौजूद लोगों से मिलकर उन्हें बधाई दी। नमाज के लिए ईदगाह मैदान में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे, जिनकी सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए थे। अजहर के पहुँचने के बाद लोग उनके साथ तस्वीर लेने के लिए लाइन लगाते नजर आए। ईद की नमाज अदा करने के बाद अजहर आज पूरे दिन मुरादाबाद में कांग्रेस नेताओं के साथ मिलकर चुनावी रणनीति बनाने में जुटे रहेंगे। इस दौरान वे अपने परिजनों के घर भी जाएंगे। ईदगाह में नमाज अदा करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अजहर ने गठबंधन पर सवाल उठाने वाले भाजपा नेताओं के बयान पर कहा कि वे ऐसे आरोपों की परवाह नहीं करते और ये बयान देने वाले की छवि को दर्शाता है। मुरादाबाद से चुनाव मैदान में उतरने के सवाल पर अजहर ने कहा कि लोगों का प्यार देखकर उन्हें लग रहा है कि अभी उनकी पहली इनिंग चल रही है और वे हमेशा पहली इनिंग में ही भरोसा रखते हैं। महागठबंधन बनने के सवाल पर अजहर ने कहा कि ये गठबंधन मुल्क के फायदे के लिए बना है और इसके नतीजे सकारात्मक हैं। अजहर के मुताबिक पार्टी का जो फैसला उनकी उम्मीदवारी को लेकर होगा वो उसे पूरा करेंगे। अजहर की सक्रियता से ये साफ है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में उनकी उम्मीदवारी को लेकर कोई अड़चन नहीं है। ईदगाह में नमाज अदा करने अजहर ने लोगों तक जो संदेश पहुँचाया था वह ईद की बधाइयों के साथ पहुँच गया। कौन खुशी और मैं बहुत दिन के बाद आया। मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट लास्ट रमजान में आया था, बट पूरे लोग से मिलके मेरे जितने भी पुराने दोस्त हैं और जितने भी लोग मुझे हेल्प किए हैं फिर उनसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, अगर भाई महागठबंधन हो रहा है तो उसको लेके भाजपा के मंत्री हैं संतोष गंगवार जी, केंद्रीय मंत्री, उनका कहना है कि बारिश या बाढ़ आने से पहले सब कीड़े मकोड़े एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, उसको क्या आपका रिएक्शन है? देखिए, ये तो बिल्कुल बेकार से बातें करने से उसके ऊपर मेरा कोई रिएक्शन नहीं है, क्योंकि जो आदमी जैसी बात करता है वैसी छवि का आदमी होता है। उससे ज़्यादा मुझे कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। बट ये बहुत अच्छा है कि महागठबंधन हो रहा है, अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, पूरे
पूरे पार्टीज के लिए अच्छा होगा और मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के लिए अच्छा होगा। तो मुरादाबाद से क्या आप सेकंड इनिंग की तैयारी करें? मैं तो सेकंड इनिंग में बिलीव नहीं करता हूँ, फर्स्ट इनिंग में जितना चाहिए तो मैं समझ रहा हूँ कि अभी भी मेरी फर्स्ट इनिंग चल रही, जैसा कि आप लोग ने इतना प्यार और मोहब्बत अभी दी है यहाँ पे, आज जब मैं इतने दिन के बाद भी आया हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मेरा इनिंग खत्म ही नहीं है। तो क्या लगता है अगर महागठबंधन होगा तो आप चुनाव लड़ेंगे मुरादाबाद? चला देखिए, देखते हैं, अभी पता नहीं पार्टी का जो डिसीजन होगा कैसे होगा, वो आगे चल के पता चलेगा। अभी तो कुछ जाते इतना जल्दी कहना होता है, जल्दी कुछ नहीं बोलते, बता दूँ फोन करते। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। भाई 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 मिलिए मिलिए, हम तो बुला रही थे बड़ी बात, ठीक, थैंक यू सर।